सिद्धार्थ, माय नेम इज मिट्टू। हम क्लास 7 में पढ़ते हैं। हम अपने चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इस इफेक्ट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। ये एक सिंपल सर्किट है। ये सेल, ये स्विच और ये बल्ब और ये वायर। और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। जब हम वायर के एक सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल में, दूसरे सिरे को नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं तो वायर में करंट फ्लो करने लगता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तब सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है और बल्ब ग्लो करने लगता है। और ये सर्किट का डायग्राम है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट है। इसमें ये बैटरी है, दो सेलों को मिलाकर बनाया गया है। ये वायर है, ये स्विच है और ये आयरन नेल है। ये मोटर है। इसमें मोटर इसलिए लगाया गया है कि ताकि हम इसमें पता कर सकें कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। इसमें पूरा एक सर्किट तैयार हो जाता है। और इसमें आयरन नेल में करंट होने के कारण ये एक मैग्नेट की तरह वेव करता है। ये इसमें इलेक्ट्रो करंट होने के कारण ये मैग्नेटिक इफेक्ट की तरह शो करता है। जब हम इसके पास कंपास मिरर को लाते हैं तो ये डिफ्लेक्शन होता है। इसे पता चलता है कि इसमें करंट होने का एक मैग्नेट की तरह वेव करता है। जब हम इस स्विच को ऑफ करते हैं तो इसमें से ये करंट खत्म हो जाता है। तो ये एक सिंपल आयरन नेल बन जाता है। ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। थैंक यू।